क्या शाहरुख खान की फिल्म ने नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है? वेल, शाहरुख खान की जवान जो है कई वजह से सुर्खियों में, और एक वजह उसमें यह भी है कि क्या यह फिल्म इनडायरेक्टली मौजूदा गवर्नमेंट पर टॉन्ट कसती है? वेल, इसको लेकर दोनों तरफ से बातें चल रही है। एक तरफ बात चल रही है नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थकों की, जो कह रहे हैं कि एजेंडे के तहत बनाई गई, अगर ये फिल्म मार्च के आसपास रिलीज होती तो शायद विपक्ष गठबंधन को फायदा होता। दूसरा, गठबंधन के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं यार कि ये फिल्म जो है काफी ज्यादा हमें रियलिस्टिक मुद्दों को दिखाती है, जैसे फार्मर सुसाइड का मामला हो, लोन का मामला हो, और कई घोटालों का जिक्र हो। विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि यार देखो, ये इशारा किया गया है, महुआ मोइत्रा हो, सुप्रिया सुनेट हो, ये तमाम लोग कह रही है कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के पहले एक मैसेज है, स्ट्रांग मैसेज है जो सरकार को दिया गया है। कई सारे मसले इसमें हाईलाइट कर दिए गए हैं। कई और लोग भी लिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि यार जाहिल आदमी जो है गाली देता है, पढ़ा लिखा आदमी टॉन्ट कसता है, और शाहरुख खान जैसे लोग जो हैं वो मूवी बनाकर मैसेज देते हैं। वैसे इस मूवी में डायलॉग भी है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, आपको याद होगा डायलॉग, इसको भी लोगों ने जोड़ लिया था आर्यन खान के से। तो लोग कह रहे हैं कि यार शाहरुख खान उस टाइम खामोश थे, लेकिन जब मूवी आई तो बड़े ही स्मार्टली उन्होंने एक मैसेज दे दिया, मैसेज गवर्नमेंट को, मैसेज एजेंसीज को जिन्होंने आर्यन को इन्वॉल्व किया था। इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मूवी कलेक्शन की वजह से भी चर्चा में, 200 करोड़ कलेक्शन 3 दिन में, आई थिंक इट्स ग्रेट, ऑलमोस्ट 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो हो चुका है 200 करोड़। दरअसल जवान कोई फिल्म नहीं है, जवान बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज को मिलाकर एक पैकेज है। नापसंद करने वाले कहते हैं कि यार कई सारी फिल्मों की कॉपी कर ली गई है, बहुत सारी फिल्में देखी गई, उनके इश्यूज उठाए गए, डाल दिए गए ना। कई लोग ये भी कह रहे हैं पसंद करने वाले कि यार सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे थे सारे इन्होंने डाल दिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार साउथ में तो ऐसा होता रहता है, मतलब बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे महेश बाबू की फिल्में देखिए, सीएम बन जाते हैं कभी कुछ और, कई सारे साउथ के एक्टर्स हैं जो इश्यू बेस्ड फिल्म बनाते हैं और वो फिल्में वहां पसंद की जाती हैं। लेकिन इस फिल्म में कई ऐसे किरदार हैं, इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जो टॉन्ट कसते हुए नजर आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर विजय माल्या का कैरेक्टर जो है वो दिखाई पड़ता है विजय सेतुपति के कैरेक्टर में, थोड़ा लुक भी वैसा ही स्टाइलिश करने की कोशिश की गई है। 40,000 करोड़ का लोन सरकार के द्वारा माफ किया गया था और वैसा ही कुछ इस फिल्म में दिखाया गया। तो दिखाया गया कि सरकार के जो करीबी लोग होते हैं उन्हें फायदा मिलता है, कुछ हजार लोन के लिए आम लोग परेशान होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहा गया कि भैया कोई करोड़पति आदमी जो है वो गाड़ी खरीदने जाए तो उसको 8% लोन लेना है, लेकिन गरीब आदमी ट्रैक्टर खरीदे तो उसको 13% देना है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है गवर्नमेंट का, मतलब एक ही गवर्नमेंट का नहीं, तो हालांकि सारी गवर्नमेंट का है, लेकिन विपक्ष अब मौजूदा गवर्नमेंट पर टॉन्स कर रहा है कि भैया देखो, तो वो एक मामला जो है वो यहां दिखाने की कोशिश की गई कि देखो यार किस तरह से मामला होता है। अब ये सच है या लोगों के दिमाग के ऊपर, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस को लेकर चर्चाएं खूब हो गई कि भैया ये फिल्म जो है पॉलिटिकली टॉन्ट कसती। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है डॉक्टर कफील खान केस को लेकर। कफील खान केस में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था, आप याद कीजिए 10 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी होती है और 70 से ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इंसेफ्लाइटिस से मौत हो जाती है, इंसेफ्लाइटिस पीड़ित बच्चे होते हैं जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से आती है। काफी हंगामा हुआ था उस दौरान, सारा ठीकरा जो है वो डॉक्टर कफील एक थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, वहां पर उनके सर फोड़ दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया, और डॉक्टर कफील की चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी इस घटना को लेकर। लेकिन फिर 2 साल बाद कोर्ट की तरफ से डॉक्टर कफील को रिहा कर दिया गया। डॉक्टर कफील के साथ जो घटना है उसको लेकर कई बार सामाजिक तौर पर उनके लिए एक सांत्वना, एक वर्ग जो सांत्वना रखता है, अभी भी कई लोग मानते हैं कि वो जिम्मेदार थे, हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है, कोर्ट से उन्हें इस पूरे मामले को लेकर बरी कर दिया गया। लेकिन इस फिल्म में भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है, हालांकि वो फीमेल कैरेक्टर है, सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर है, जो ऐसे ही कुछ कहानी होती है कि बच्चों की मौत होती है, उन्हें जिम्मेदार मान लिया जाता है, लेकिन फिर फिल्म में दिखाया गया कि जो रियल में जिम्मेदार लोग होते हैं वो सानिया मल्होत्रा नहीं होती, यानी डॉक्टर कफील खान नहीं होते, वो होती हैं हेल्थ मिनिस्टर होते हैं और वहां के डीन होते हैं उस मेडिकल कॉलेज के, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति पर डाल दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के खिलाफ एक इशू था, और इसी वजह से हमारे मन में सवाल आ रहा है क्या नरेंद्र मोदी सरकार को टॉन्ट कस रही फिल्म। अगला इशू जो है वो है रक्षा घोटाले को लेकर। फिल्म में रक्षा घोटालों को लेकर भी कहानी दिखाई गई, और ये दिखाया गया कि जो प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी होते हैं उनकी मदद से एक आम डीलर जो है वो खराब क्वालिटी के हथियारों की सप्लाई करता है, और इस वजह से एक मिशन में कई सारे जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। अब इंडिया में रक्षा विभाग में तो बहुत सारे घोटाले, अनलिमिटेड घोटाले, मतलब वो फोर्स से लेकर आप आ जाइए, और राहुल गांधी हमेशा राफेल को लेकर सवाल खड़े करते आए कि राफेल राफेल राफेल, तो ये वाला मामला जो है ये भी यहां पर उठाया गया है। अब कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है,
तो फिर इन आरोपों के बीच में जब एक आरोप लगते हैं कि यार बिना टेंडर छोटा सौदा बड़े में कर दिया गया और बहुत सारे आरोप लगते हैं, क्या ये फिल्म में जो ये सीन है रक्षा घोटाले को लेकर वो भी यही से इंस्पायर है? वेल, ऐसा हो सकता है, पता नहीं। मतलब अगर शाहरुख खान ने दिमाग लगाया तो ये सब इतने इत्तफाक नहीं हो सकते। फिल्मों में भी बड़े कलाकारों के साथ बहुत छोटे छोटे इत्तफाक नहीं होते हैं, तो ये आप मानिए कि इशारों में कुछ ना कुछ तो खेला गया है। फिर आर्यन खान ड्रग्स केस वाला जो मामला है उसमें डायलॉग आपको याद ही होगा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब ये तो बहुत डायरेक्टली इशारा जो है गवर्नमेंट पर करता है। और आर्यन खान केस आपको याद होगा, आर्यन खान समीर वानखेड़े पकड़ते हैं, जेल जाते हैं, उस आर्यन खान जेल जाते हैं, काफी मीडिया में हंगामा होता है, बाद में खबर आती है 25 करोड़ उगाही की वसूलने का प्लान था, कई अधिकारी भी सस्पेंड हो गए, समीर वानखेड़े फंसे हैं। हालांकि समीर वानखेड़े के समर्थकों का एक अपना वर्जन है, बहुत सारी बातें, लेकिन ये डायलॉग भी इशारा तो करता है और इसको लेकर भी चर्चा तेज। और आखिरी जो है वो है यार पॉलिटिकल मैसेज। इस फिल्म में एक मैसेज है जहां पर शाहरुख खान लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं कि भैया जब आप दुकान में मॉर्टिन खरीदते हो तो 5 घंटे चलता है, लेकिन उसको लेकर 75 तरह के सवाल खड़े करते हो आप, लेकिन 5 साल चलने वाली सरकार से आप एक भी सवाल नहीं पूछते हो। तो क्या डर, पैसा, संप्रदाय, जात पात, इन्हीं की वजह से हम वोट देते हैं या इनसे अलग हटकर वोट देना चाहिए? हम क्यों धर्म, जाति, इन सब फंस जाते हैं? हमें अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वोट की कीमत समझना चाहिए। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो सरकार पर इशारा साध रहे हैं और बार बार इशारा साध रहे हैं। जैसे सुप्रिया सुनेट ने कहा कि मैंने फिल्म देखी और सरकार पर निशाना साधती है, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, लेकिन क्या बेबाकी से रखे गए मसले, जिसमें फार्मर सुसाइड मामला हो, लोन का मामला हो, रक्षा सौदे की बात हो। महुआ मोइत्रा टीएमसी वाली जो है उन्होंने भी लिखा, नेहा सिंह राठौर ने लिखा, तो हमको भी लगा यार कि हम एक बार आप लोग से पूछते हैं कि ये क्या महज इत्तफाक है शाहरुख खान की फिल्म का आना, जिसमें लोन माफी का जिक्र होना, घोटाले का जिक्र होना, फौज के घोटाले का जिक्र होना, आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर इशारा करना, सत्ता के खिलाफ बयान देना, धर्म जात की बात करना, या मतलब हम और आप ज्यादा सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी फिल्में आती हैं साउथ में जहां पर ऐसा होता है, साउथ की फिल्म ही है। वेल, यू नेवर नो। लेकिन जो भी है, पठान के बाद शाहरुख खान की जवान जो है चर्चा केंद्र में, एक चर्चा पैसों को लेकर क्योंकि लोग देख तो रहे ही हैं, दूसरा पॉलिटिकल लेकर। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि ये अप्रत्यक्ष तौर पर कई बातें इशारा है, संदेश है या इत्तफाक है।